Hello everyone and welcome to Biology Online Classes. Today I, Hadia Akram, is going to teach you English language of class 2nd and 3rd. So open up your books and get on to lesson number 20, class 2nd and lesson number 23, class 3rd. आज हम लोग पढ़ेंगे prepositions. हम लोग पढ़ेंगे what are prepositions. Prepositions क्या होते हैं? A word. A preposition is a word that connects a word with another in a sentence. Preposition का क्या काम होता है? Prepositions word होते हैं. जैसे is, am, are word है. वैसे preposition भी word होते हैं. On, at, by. ठीक है. But prepositions करते क्या है? वो एक word को दूसरे word से मिलाते हैं. ठीक है. जैसे आप preposition is a word. Preposition वो word होता है that connects. कनेक्ट मीन्स मिलाना, जो कनेक्ट करता है अ वर्ड विद अनदर इन अ सेंटेंस, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है. इट टेल अस द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर नाउन और प्रोनाउन. वो हम लोगों को बताता है कोई नाउन या कोई प्रोनाउन क्या कर रहा है. ठीक है. एक नाउन दूसरे नाउन के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है. जैसे कैट नाउन है और टेबल नाउन है. दोनों चीजें नाउन है. आप कैट टेबल पे बैठी है. सो कैट टेबल, कैट कहाँ है? ऑन द टेबल. तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. बिकॉज प्रीपोजिशन ने बताया कि एक नाउन जो कैट है और दूसरा नाउन जो टेबल है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या काम है. कैट टेबल पे बैठी है. सो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. सो प्रीपोजिशंस क्या होता है? जो दो नाउन के बीच का कोई बताए, दो नाउन के बीच में क्या रिलेशन है या फिर दो प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है. जैसे वी आर हैविंग एग्जांपल, द एरोप्लेन इज अबव द हाउस. एरोप्लेन नाउन है. यस, क्योंकि एरोप्लेन दिखता है. एरोप्लेन इज अ नाउन. हाउस इज अ नाउन. हाउस भी हम लोग देखते हैं. यस, नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. कोई भी चीज जो हम लोग देख सकते हैं या टच कर सकते हैं. सो एरोप्लेन और हाउस नाउन हो गए. सो एरोप्लेन क्या है? एरोप्लेन कहाँ है? एरोप्लेन हाउस के अबव है. अबव क्या हो गया? अबव इज अ प्रीपोजिशन. द मिरर इज ऑन द वॉल. मिरर एक नाउन है. वॉल भी एक नाउन है. बट मिरर वॉल के ऑन है, वॉल के ऊपर है. सो ऑन इज अ प्रीपोजिशन. ठीक है. अब जैसे At, on, in. जब लिखा होता है at, on या in. Like we slept at 10 every night. हम लोग रोज 10 बजे सो जाते हैं. School opens on Wednesday. School Monday को open होते हैं. और in, the holidays are in June. Holidays June में है. So जहाँ पे हम लोग use करते हैं are या in और on. At, on, in, not are, I'm very sorry. At, on, in. When something takes place, जब हम लोग किसी टाइम के बारे में बात करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं preposition of time. जब at, on, in की बात होगी, मतलब हम लोग किसी टाइम की बात करेंगे. हम सुबह उठ जाएंगे, मंडे को स्कूल खुलेगा, शाम में वॉक करेंगे, गर्मी की छुट्टियां जून में होंगी, राइट? जब हम लोग किसी टाइम की बात कर रहे हैं तब हम लोग यूज करते हैं एट, ऑन या इन. ठीक है. देन द कैट इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड. रूबीज इज बाय, एट, इन. अब एट, ऑन और इन हम लोग किसी जगह के लिए भी यूज करते हैं. आई एम एट माई हाउस, मैं अपने घर पे हूँ. द कैट इज ऑन द चेयर. कैट चेयर के ऊपर है. एंड बाय, रॉबीज हाउस इज बाय द रिवर. बाय मतलब पास में, रॉबी का हाउस रिवर के बराबर में, राइट? सो हम लोग एट, ऑन, इन तभी यूज करते हैं जब हम लोग किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं. यस, सो वी यूज इन फॉर प्रीपोजिशन एंड इन टू फॉर द डायरेक्शन और मोशन. आई वॉज इन माई रूम, माई मम केम इन टू द रूम. इन का मतलब क्या है? हम लोग इन है, हम लोग अंदर है. बट इन टू का क्या मीन्स है? कि मम्मी अंदर आ रही है. जब कोई रास्ते में काम होगा वी विल यूज इन टू. वैसे ही ऑन, ऑन मतलब ऊपर, एंड ऑन टू मीन्स ऊपर है. अमिता क्लाइम्ड ऑन टू द बेंच. अमिता बेंच पर चढ़ी.
ठीक है। सो बहुत सारे जैसे प्रोपोजिशन होते हैं इन, ऑन, एट, इनटू, बिहाइंड, नियर, बिलो, अंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको अपनी एक्सरसाइजेस में ऑप्शंस दिए होंगे, आप उन ऑप्शंस की हेल्प से अपनी एक्सरसाइजेस फिल करेंगे ऑन योर ओन। यू विल नॉट टेक हेल्प ऑफ योर मम्मी डैडी ब्रदर और सिस्टर। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आस्क योर टीचर इन योर ऑनलाइन जूम मीटिंग क्लासेस। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।